हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर ने जो फ्रेंड्स यहां पर नोटिफिकेशन इनवाइट की है आपके अप्रेंटिसशिप फॉर्म के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, jobrasta.com की लिंक पर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि आप एलिजिबल हैं या फिर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी इसके ऑफिस वाइज या यूनिट वाइज। और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इसके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा, नोटिफिकेशन सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अब इसके अप्लाई ऑनलाइन के प्रोसेस के लिए। आपको यहां पर लिंक मिलता है अप्लाई ऑनलाइन का, आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसके होम पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। जैसा आप यहां देख रहे होंगे 8/11/2019 से 8/12/2019 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं अब यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। न्यू कैंडिडेट जो भी हैं वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन इसमें कर सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, तो आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर और आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट नेम है, इसके बाद फादर नेम है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मदर नेम आपको यहाँ फिल करना है। और जो ये नेम है ये फ्रेंड्स आपको 10 की जो आपकी मार्कशीट है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप यहां पर फादर नेम और मदर नेम की एंट्री कर देंगे, यहां पर एक ऑप्शन है आपके जेंडर का, यहां से आपका जो भी जेंडर है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आपको यहां से सेलेक्ट करनी होगी। तो यहां पर आपको स्क्रॉल करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी एज होगी वो फ्रेंड्स काउंट होकर यहाँ पर आ जाएगी और ये एज जो है वो फ्रेंड्स 30/12/2019 को काउंट होने वाली है। तो कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है इसके लिए फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल आपको दी गई है उसको आप आराम से चेक कर लें। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शन है, आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी है आपकी तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है EWS का, यदि आप इसमें आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं आप नो करेंगे। इसके अलावा OBC कैंडिडेट हैं या फिर आप SC या ST कैंडिडेट हैं, यहाँ पर कोई फर्दर ऑप्शंस आपका एक्टिवेट नहीं होता है। आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी स्टेटस है, यदि फ्रेंड्स आप डिसेबल कैंडिडेट हैं आप यहाँ पर यस करेंगे और यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप आपका जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि नहीं है इसमें एलिजिबल आप नो कर देंगे, कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन स्टेटस में अगर आप नहीं है नो करेंगे, यदि है तो आप यहां पर यस करेंगे और नीचे आपको यहां ऑप्शन मिल जाएगा एक्स सर्विसमैन टाइप का, तो आप यहां से एक्स सर्विसमैन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपकी जो एक्सटेंडेड है सर्विस का वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर इसको नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी है, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी होगी वो फ्रेंड्स आप इस सेक्शन में फिल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा आपकी जो मेल आईडी है ये आपकी एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी 10-डिजिट मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे और ये भी आपका एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। इसके बाद है बोर्ड या एग्जाम अथॉरिटी नेम, तो यहाँ पर देखिए आपने 10th किस बोर्ड से की है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी नाम नहीं मिलता है इस कंडीशन में आप एनी अदर को सेलेक्ट करेंगे, पर अगर मिल जाता है तो फ्रेंड्स आप यहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग का ऑप्शन, तो आपने इसको कब पास किया है ये आपको यहां पर फिल करना है। आपके 10th या फिर SSC या फिर मैट्रिकुलेशन में आपका रोल नंबर क्या था वो फ्रेंड्स आपको यहां पर देना होगा। आपके बाद यहाँ पर पासवर्ड का एंटर है, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है जिससे आप इसमें लॉग इन कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पॉलिसी दी गई है इसमें देखिए आपका जो पासवर्ड है वो फ्रेंड्स मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 8, कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड में फ्रेंड्स आपको एक लोअर केस यूज करना है, एक अपर केस यूज करना है, एक नंबर यूज करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना होगा। ये ध्यान रखिएगा ये 4 चीजें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए तभी आपका पासवर्ड कंप्लीट होगा, नहीं तो ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा। इसलिए फ्रेंड्स इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा और यहाँ से आपका जो भी पासवर्ड है वो फ्रेंड्स आप जनरेट कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा एक कैपिटल, एक आपका यहाँ पर लोअर, एक आपका यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी होनी चाहिए। और ये सिक्योरिटी कोड वाले ऑप्शन में जो भी आपको यहाँ पर शो किया गया है ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको रजिस्टर कर लेना है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका लॉगिन सेक्शन है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आगे की जो डिटेल्स हैं जिससे आप इसमें लॉगिन करेंगे वो डिटेल आपको यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है उस पर आपको सेंड कर दी गई होगी। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो मेल आईडी है वो आपको कंफर्म करना ज़रूरी है। अगर आप उस मेल आईडी को कंफर्म नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी जो भी मेल आईडी है उसको आप ओपन करें और ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर एक लिंक मिलेगा क्लिक हियर टू कन्फर्म का, जो कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आपको जो भी एक कन्फर्म का मेल मिला है इसको आपको यहां से क्लिक करना होगा और इसको यहां से कन्फर्म आपको करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी यहां पर मेल आईडी है वो कन्फर्म हो जाएगी और जैसे ही ये कन्फर्म होगी आप दोबारा से इसके होम पोर्टल पर आ जाएंगे और आपको यहाँ से इसमें करना होगा फिर से लॉगिन। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो सेक्शन है इसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हैं या फिर आप ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे और अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपने जो पासवर्ड जनरेट किया है उसके माध्यम से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी कोड है ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो होम डेस्क है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आप यहां पर इसको फिल कर सकते हैं यदि आपके पास है, नहीं तो इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी आपका नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स अप्लाइंग अंडर यूनिट, तो यहां पर आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है, आप किस यूनिट में अप्लाई करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहाँ पर यूनिट को सेलेक्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं, एक बार में आप एक ही यूनिट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड जो क्वालिफिकेशन डिटेल है जो में आपने तीन चीज़ें पहले फिल कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त, यहाँ पर आपके नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम जो भी है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो पूरा नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर है मैक्सिमम मार्क आउट ऑफ इन 10th क्लास, तो फ्रेंड्स आपके कितने में से कितने नंबर आए हैं ये आपको देना है। तो ये आपका हो गया टोटल मार्क्स और ये हो गया आपका यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स और आपकी जो परसेंटेज है वो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का, यहाँ पर देखिए आपका जो आईटीआई पास ट्रेड है वो क्या है वो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें जिसमें आपने आईटीआई कर रखी है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर द ट्रेड आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है कि आपने इसको कब पास किया है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे। आपका सर्टिफिकेट या नंबर जो है फ्रेंड्स एनसीवीटी या एससीवीटी कोई भी आपने यहाँ पर पास आउट कर रखा है वो फ्रेंड्स आप यहाँ फिल करेंगे। आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है ये फ्रेंड्स आप यहां से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जब भी आपका इशू हुआ है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। यहां पर है मैक्सिमम मार्क आउट ऑफ इन आईटीआई, मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर हुआ था, तो मैं भी यहां पर रैंडमली वैसे ही फिल कर रहा हूं, आपके जितने नंबर हैं वो फ्रेंड्स आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो भी परसेंटेज होगी वो फ्रेंड्स यहां पर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आपने देखिए इसको कहाँ से किया है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको फिल यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपकी जो भी एवरेज परसेंटेज है, मतलब ए प्लस बी, मतलब ए मतलब हो गया आपका 10th की जो आपकी परसेंटेज है, बी हो गया आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो परसेंटेज है और डिवाइडेड बाई 2 करके इन्होंने सी निकाला है जो कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज 77.30 निकल के आ गई है। तो आपकी जो भी होगी वो आपकी ऑटोमेटिक निकल के यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके एड्रेस डिटेल का, तो यहाँ पर आप देखिए जो भी आपका पूरा एड्रेस है जो आप फ्रेंड्स फिल करते हैं, जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। आपका हाउस नंबर है, अगर हाउस नंबर नहीं है तो आपकी जो भी लोकलिटी है वो फ्रेंड्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपका विलेज नेम या फिर आपका जो टाउन नेम है वो आप यहाँ दे सकते हैं। आपकी जो सिटी है वो आप देंगे। आपका जो भी स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो पिन कोड है वो फ्रेंड्स आप यहाँ फिल करेंगे। तो बेसिकली आपका जो एड्रेस है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वो लिख सकते हैं, ये परमानेंट एड्रेस है। यदि फ्रेंड्स ये आपका अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कीजिए, यदि ये सेम है आप टिक कीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है देखिए आपके यहाँ पर फोटोग्राफ का और आपके सिग्नेचर का। तो देखिए जो आपकी फोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स मैक्सिमम साइज 40 KB और मिनिमम 15 KB आपका होना चाहिए और जो भी कॉपी आप यहां अपलोड करेंगे उसकी सेम कॉपी आपके पास कम से कम 2-4 फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जो सिग्नेचर है वो फ्रेंड्स 20 KB to 10 KB के बीच में आपको रखना होगा JPG फॉर्मेट में और फ्रेंड्स आपको जो सेम सिग्नेचर है फ्यूचर में भी करना होगा। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप इनको यहाँ पर ब्राउज़ के माध्यम से अपलोड कर देंगे तो फ्रेंड्स उसका जो प्रीव्यू है फोटो एंड साइन का वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा।
जब आपको लगता है कि आपकी सभी डिटेल यहाँ पर आपने फिल कर ली है, सभी डिटेल को आपने यहाँ पर देख लिया है, इसके बाद आप नीचे आकर इसको डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से इसको सेवन कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन आपका ओपन होता है ये है आपके प्रीव्यू सेक्शन। यहाँ पर देखिए आपने जो जो डिटेल्स अभी तक फिल की हैं वो सभी आपको यहाँ पर शो करती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा एक बार सभी डिटेल को आप यहाँ पर जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक नहीं करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं, तो फिर आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड सबसे लास्ट में आप आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए ऑप्शन मिलता है एडिट का या फिर सेवन कंटिन्यू का। यदि आपको लगता है कि आपने कोई भी गलती यहाँ पर कर दी है, आप इसको यहाँ पर डिक्लेयर करके उसके बाद एडिट एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है, आपकी सभी डिटेल सही है, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आप इसको सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये फिर से एक मौका देता है कि आप यहाँ पर व्यू या एडिट कर सकते हैं आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। यदि आपको फिर भी लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, उस कंडीशन में आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके पे फी का। तो यहाँ पर देखिए जब आप पे करेंगे अपनी फीस को, अगर वो किसी कंडीशन में अनसक्सेसफुल हो जाती है तो आपको कम से कम 24 आवर्स वेट करना होगा नेक्स्ट पेमेंट के लिए, और आपकी जो फीस है वो आपके खाते में रिफंड हो जाएगी। लगातार आपको मल्टीपल पेमेंट्स यहाँ पर नहीं करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे इस पे फी वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपकी ऑटोमेटिक फिलअप आएगी, नहीं आती है आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उनको फिल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी यहाँ पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मांगी गई है, आपका यहाँ पर नाम है, एड्रेस है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी मेल आईडी है, ये आप यहाँ फिल कर लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपकी बिलिंग और शिपिंग एड्रेस डिफरेंट है तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक रहने दे सकते हैं। और इसके बाद नीचे है पेमेंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन। इसमें फ्रेंड्स आपका जो भी पेमेंट है वो फ्रेंड्स आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से कैसे भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद पेटीएम के माध्यम से, वॉलेट कार्ड के माध्यम से, आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ देखने को मिल जाते हैं। सबसे सिक्योर तरीका जो होता है या तो वो नेट बैंकिंग आप यूज़ करें या फिर आप डेबिट कार्ड यूज़ करें। और इसके बाद यहाँ पर आपके जो भी कार्ड है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके कार्ड की डिटेल्स यहाँ डालेंगे, CVV नंबर डालेंगे और यहाँ से आपका जो भी पेमेंट है इसको आप कन्फर्म कर लेंगे। एक बार जब आपका पेमेंट कन्फर्म हो जाएगा या फिर आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है ये आपका फाइनल सबमिट हो जाने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा प्रिंट फॉर्म का। आप इस सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपका जो भी प्रिंट आउट है इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं अपने PC पर PDF फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा jobrasta.com का, वहाँ पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर लें। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।